हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाली सीरीज के अंदर। तो अभी तक हमने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैंटर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कीनीशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो कैंटर की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बात करती है कि आप आउटपुट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए, आउटपुट जनरेट होती है, नेशनल इनकम जनरेट होती है, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके बीच में डिवाइड की जाती है। तो वो चीज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज एक्सप्लेन करती है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज अलग अलग एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे जो रिकार्डो की थ्योरी थी उसने सिर्फ तीन चीजों की बात की, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, उसने कैपिटल की बात नहीं की। ऐसे ही जो कैल्डर की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर हम वेज और प्रॉफिट ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ वेज और प्रॉफिट को देखेंगे। हम इसमें ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारी इनकम है वो सिर्फ वेज और प्रॉफिट दो ही चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो कैल्डर है उन्होंने ये माना कि जो उन्होंने जो प्रॉफिट है उसको एक प्रॉपर्टी ओनर का सरप्लस लिया। कैल्डर ने प्रॉफिट को प्रॉपर्टी ओनर का सरप्लस लिया, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसी को रेंट मिलता है, तो प्रॉफिट के अंदर रेंट भी इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टी ओनर है वही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके अंदर भी इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट में है ही है, ठीक है। तो जो कैल्डर का जो प्रॉफिट का कंसेप्ट है उसके अंदर तीनों चीजें इंक्लूड है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। और वेजेस उन्होंने अलग से ले ही रखी है। तो कैंटर जो है वो अपने दो चीजों की बात करें कि जो इनकम है वो दो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वन इज वेजेस, अनदर इज प्रॉफिट, ठीक है। इनकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग करेंगे, जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे, स्टेबिलिटी दिखाएंगे मॉडल की। लेकिन उस पे जाने से पहले हम इनकी कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। जो अभी तक जैसे कि बहुत सारे हम लोग मॉडल करते हैं ग्रोथ मॉडल, जैसे कि हैरी डोमर का ग्रोथ मॉडल होता है, सोलो का ग्रोथ मॉडल होता है, उसमें हम लोग क्या है कहते हैं कि जो हमारी सेविंग है वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइन होती है, ठीक है। इसके अंदर हम वो चीज कहते हैं कि हम सेविंग जो है वो मॉडल के अंदर हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, देखेंगे उसको, ठीक है। ये चीज हम लोग इसके अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं। अब वहां पर जाने से पहले हमने जैसे कि कहा इसके हम कुछ अजम्पशंस देखेंगे थ्योरी की। तो थ्योरी की कुछ अजम्पशंस अगर हम ले तो देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या मानेंगे कि रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमारी इनकम कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हम अपने मैक्सिमम पे हैं, हम जितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जितनी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम क्या है हमारी एक तरह से कॉन्स्टेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड जो आई बाय वाई यानी कि इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो हमारी कॉन्स्टेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो आप x की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो i बाय y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। थर्ड हम लेंगे कि हमारे पास इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फोर्थ हम लेंगे कि इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। फिफ्थ हम लेंगे कि जो हमारा जो सेविंग रेशियो है, ठीक है, जो सेविंग है, सेविंग रेशियो है किसकी, हमारे जो हमारा वेज अर्नर है और जो कैपिटलिस्ट है, वेज अर्नर यानी कि जो लेबर है और जो प्रॉफिट अर्नर है यानी कि जो कैपिटलिस्ट है, उनके डिफर करती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एमपीसी ऑफ वेज अर्नर या फिर लेबर एंड कैपिटलिस्ट डिफर, जहां पे एमपीसी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, एमपीसी ऑफ वर्कर विल बी ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ कैपिटलिस्ट। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप बढ़ी हुई इनकम में से अपना कितना पोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम करने वाले हो वो आपकी एमपीसी होती है। देखो भाई लेबर है,
लेबर को तो बहुत कम सैलरी मिल रही है, ठीक है, जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो सोचेगा हाँ यार चलो थोड़ी सैलरी बढ़ी, थोड़ा अच्छा खर्च करते हैं, तो उसकी एम्बिशन बढ़ेगी। कैपिटलिस्ट है वो पहले ही हजारों रुपए लेके बैठा है, ठीक है, उसको इनकम बढ़ भी गई तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज तो वैसे ही पूरी हो रही है, ठीक है, तो उसका जो कंजप्शन है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए एमपीसी वर्कर की ज्यादा होती है, एमपीसी कैपिटलिस्ट की कमी। नेक्स्ट आता है एमपीएस, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होगा एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है वो सेव कम करेगा, तो एमपीसी ऑफ वर्कर विल बी लेस देन एमपीसी ऑफ कैपिटलिस्ट। ये तो ये उन्होंने कुछ असम्पशन ली अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, मतलब कि जो कैंडर की थ्योरी है उसमें बेसिकली हम लोग डिराइव करते हैं कैसे और क्या। तो हमारी इनकम y इज इक्वल टू w प्लस p, ठीक है, मैं इस चीज को लिख सकती हूँ w इज इक्वल टू y माइनस p, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन हो जाएगी। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेविंग, तो सेविंग हमारा बेसिकली क्या होने वाला है, देखो हमारी इकोनॉमी है ये, इसके अंदर दो लोग रहते हैं, एक वर्कर और एक कैपिटलिस्ट। जस्ट अज्यूम वर्कर 10 रुपए सेव कर रहा है, कैपिटलिस्ट 20 रुपए, तो टोटल सेविंग कितनी होने वाली है, 30 होने वाली है। तो टोटल सेविंग इकोनॉमी में क्या होगी, वर्कर की सेविंग प्लस कैपिटलिस्ट की सेविंग। वर्कर जो है वो कैसे सेव कर रहा है, वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव कर रहा है, राइट, तो के पोर्शन ऑफ वर्कर की इनकम वो सेव कर रहा है, ठीक है, k पोर्शन ऑफ ये अपनी इनकम, इसको k1 ले लो, इसको k2, k2 पोर्शन ऑफ ये अपनी इनकम, यानी कि कैपिटलिस्ट अपनी इनकम सेव कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, दोनों की सेविंग हो जाएगी। और जब हम इन दोनों सेविंग को ऐड करें तब हमारी टोटल सेविंग आ जाएगी। जैसे कि सपोज वर्कर की इनकम है 50 रुपी, ठीक है, वो सेव कर रहा है 10 रुपी, तो उसकी कितना पोर्शन ऑफ इनकम वो सेव कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज इनकम वो सेव कर रहा है। आई कैन राइट इज एज k बाय y, क्योंकि हमें नहीं पता है 1/5 है 1/10 है कितना है, क्योंकि हमें ना तो सेविंग पता है ना हमें उसका इनकम पता है, कुछ भी नहीं पता, हम हर एक को एक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वो क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिया कि जो वर्कर की इनकम है वो है w, उसका कुछ पोर्शन लिया मैंने sw, तो sw ऑफ w प्लस जो हमारा कैपिटलिस्ट है उसकी इनकम है p, यानी कि प्रॉफिट, उसका कुछ पोर्शन यानी कि sp वो सेव कर रहा है, तो वर्कर की इनकम का कुछ पोर्शन वो सेव कर रहा है, कैपिटलिस्ट की इनकम का कुछ पोर्शन वो सेव कर रहा है, तो टोटल सेविंग क्या हो जाएगी, दोनों की सेविंग। तो अब sw इंटू w, ये sw क्या है उसकी, एमपीएस है वर्कर की, और sp क्या है, एमपीएस है कैपिटलिस्ट की, ठीक है, s इज इक्वल टू sw। अब इस w को मैं लिख सकती हूँ y माइनस p प्लस p इंटू sp, ठीक है, अब s इज इक्वल टू sw इंटू y माइनस sw इंटू p प्लस p इंटू sp, s इज इक्वल टू sw इंटू y प्लस p इंटू sp, p प्लस वाला इधर ले गया, माइनस वाला उधर ले गया, ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ इसको sw इंटू w, sw इंटू y प्लस p कॉमन ले लिया, sp माइनस sw, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं हमें पता है इन इक्विलिब्रम s इज इक्वल टू i, हम s को i लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू sw इंटू y प्लस p इंटू sp माइनस sw, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये देखना है कि कितना पोर्शन ऑफ इनकम जो हमारा कैपिटलिस्ट है वो घर लेके जा रहा है, यानी कि कैपिटलिस्ट कितने पोर्शन ऑफ इनकम टोटल इनकम वो लेके जा रहा है एज अ प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, हम देखने वाले हैं p बाय y को, तो p बाय y देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन, इसको 2 दे दो, इक्वेशन 2 बाय y, ठीक है भाई, डिवाइड कर देते हैं, तो i बाय y इज इक्वल टू एस डब्ल्यू इंटू वाई बाय वाई प्लस पी बाय वाई इंटू एस पी माइनस एस डब्ल्यू, ठीक है। अब ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, आई बाय वाई इज इक्वल टू एस डब्ल्यू इंटू पी बाय एस डब्ल्यू प्लस पी बाय वाई इंटू एस पी माइनस एस डब्ल्यू, मुझे p बाय वाई निकालना है, तो i बाय वाई माइनस एस डब्ल्यू
इज इक्वल टू पी बाय वाई इंटू एस पी माइनस एस डब्ल्यू, ठीक है। अब आई बाय वाई माइनस ई हो गया, अब मैं क्या करूं, आई बाय वाई माइनस एस डब्ल्यू डिवाइड बाय पी बाय वाई, सॉरी डिवाइड बाय एस पी माइनस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बाय वाई। तो मुझे पी बाय वाई निकालना था, तो हमारे पास क्या आ गया, आई बाय वाई इंटू में वन अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू, ठीक है, माइनस माइनस अब हमारा क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बाय वाई। तो ये हमारा आ गया पी बाय वाई, ठीक है। तो पी बाय वाई हमें पता है। अब इनकम में प्रॉफिट का कितना शेयर है वो अब हम लोगों को यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, आई बाय वाई वन बाय एस पी माइनस एस डब्ल्यू माइनस एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बाय वाई। अब हम लोगों को यहाँ से काफी रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि कैल्डर ने एक्सप्लेन किए कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बाय इनकम की रेशियो बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा पी बाय वाई भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आई बाय वाई बढ़ेगा वैसे पी बाय वाई भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एस पी जो है वो एस डब्ल्यू से ज्यादा होना चाहिए इस मॉडल की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर एस पी एस डब्ल्यू से कम हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी और ये हमारा मॉडल अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए मॉडल में एस पी शुड बी ग्रेटर देन एस डब्ल्यू, तभी हमारा ये मॉडल यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। ये उन्होंने बात की कि एस पी एस डब्ल्यू से बड़ा होना चाहिए मॉडल की स्टेबिलिटी के लिए, आई बाई वाई जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हमारा पी बाई वाई बढ़ेगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो मैं ये पूरा इरेज करके सिर्फ ये इक्वेशन लिखती हूँ और फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइक हमारे पास अजम्पशन जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। तो मैं पहले वो यहाँ पर लिख लेती हूँ फिर देखते हैं। तो जब हमारा ये इक्वेशन हमारी लास्ट में आती है, अब हम इसके कुछ कंक्लूजन लिखेंगे यहां से, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से कंक्लूजन निकल सकते हैं, फर्स्ट मॉडल इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ डबल आई डबल एफ को इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं एस पी इज ग्रेटर देन एस डब्ल्यू, ठीक है। तो सेकंड तो आप बता सकते हो मॉडल इज अनस्टेबल इफ एस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एस पी, ठीक है। थर्ड हम लोग यहां से बना सकते हैं एज आई बाय वाई इंक्रीज पी बाय वाई विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब कि ये आपको एक्सप्लेन करना है इफ इनकम इफ इन्वेस्टमेंट टू इनकम रेशियो विल इंक्रीज देन द शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट इन द टोटल इनकम विल राइज, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट का शेयर टोटल इनकम में बढ़ेगा। फोर्थ जो हमारा वन अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर एस पी और एस डब्ल्यू के बीच में कम डिफरेंस होगा, इफ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एस पी एंड एस डब्ल्यू, एस पी और एस डब्ल्यू में कम छोटा डिफरेंस है तो कोएफिशिएंट क्या होगा, लार्ज होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर इनमें डिफरेंस कम है, यानी कि से ये 10 है और ये 9 है, तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ये 10 माइनस 9.5 होता तो ये 0.5 होता, तो 1 अपॉन 1 इज 1 आता हमारा ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। 10 माइनस 9.5 0.5, तो 1 अपॉन 0.5 हो जाता, तो ये हमारा कितना आता, 2 आता। तो जितना हमारा डिफरेंस ये कम होता जाएगा इनके बीच में, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट जो है वो लार्ज होता जाएगा। तो कोएफिशिएंट लार्ज होने का मतलब है अ स्मॉल चेंज इन आई बाय वाई, स्मॉल चेंज इन आई बाय वाई विल ब्रिंग लार्ज चेंज इन पी बाय वाई। तो इससे आप क्या बता सकते हो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लार्ज, देन ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो देयर विल बी अ लार्जर चेंज इन द प्रॉफिट एंड इनकम रेशियो, ठीक है। तो हम लोग ये बता सकते हैं यहां से। देन फिफ्थ हम लोग यहां पर लेके चलेंगे, अगर हमारा एस डब्ल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, एस डब्ल्यू को जीरो ले लें, तो पी बाय वाई इज इक्वल टू आई बाय वाई
इंटू वन अपॉन एस पी, ठीक है, क्योंकि एस डब्ल्यू जीरो हो गया और ये यहाँ जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा, तो पी बाय वाई इज आई बाय वाई इंटू वन अपॉन एस पी, वाई उधर चला गया कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू आई बाय एस पी, ठीक है, ये हमारा गया, तो ये यहां से मारा गया और यही हमारा क्या है कीनीशियन मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, ठीक है, और ये हम विडोज क्रूज भी बोलते हैं, ठीक है, विडोज क्रूज, ठीक है, तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, जब हमारा ये आपको एक्सप्लेन करना है व्हेन एस डब्ल्यू विल बी जीरो, तो हमारा ये आएगा, इसको हम कीनीशियन मल्टीप्लायर की तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इसको विडोज क्रूज भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है पी इज इक्वल टू आई अपॉन एस पी, तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि P क्या है प्रॉफिट, I क्या है इन्वेस्टमेंट, S P क्या है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, किसकी हमारे कैपिटलिस्ट की, ठीक है, तो जब ये MPS बढ़ेगा, जब ये MPS बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू डिक्लाइन होगी, प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, जब MPS बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, लेकिन अगर MPC बढ़े, MPC बढ़ने का मतलब है MPC का MPS का कम होना, यानी कि अगर ये MPS कम होगा, ठीक है, अगर ये MPS कम होगा क्योंकि इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो अगर MPS कम होगा तो P राइज होगा, तो MPS अगर राइज होगा तो P कम होगा, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो MPS कम होगा P बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि MPC इंक्रीज होगा और इसका मतलब क्या है कि MPC जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि MPS और MPC भी आपस में इनवर्स, MPC बढ़ेगा तो MPC MPS कम होगा, ठीक है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो तो सेव कम करोगे, सेव ज्यादा कर रहे हो तो कंज्यूम कम करोगे, तो अगर सेव कम कर रहे हो तो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, सेव ज्यादा कर रहे हो तो कंज्यूम कम कर रहे हो, सिंपल सा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट अर्न करते हैं व्हाट दे कंज्यूम, ठीक है, ये इस थ्योरी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैपिटलिस्ट अर्न व्हाट दे कंज्यूम, मतलब कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो अर्न कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं यानी अगर उनका एमपीसी ज्यादा है तो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो कैपिटलिस्ट अर्न किस चीज को कर रहे हैं, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, और लेबर कंज्यूम व्हाट दे अर्न, ठीक है, ये हमें बहुत बड़ी बात बता रही है ये वाली लाइन जो है, कैपिटलिस्ट अर्न व्हाट दे कंज्यूम एंड लेबर कंज्यूम व्हाट दे अर्न, मतलब कि लेबर जो कमा रही है उसको खा रही है, लेकिन कैपिटलिस्ट जो खा रहे हैं उससे भी वो बना रहे हैं, यानी पैसा बना रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट जो है वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो उससे भी पैसा बना रहे हैं, उससे भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उससे भी वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो वो जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे, जबकि जो लेबर है वो जितना अर्न करेगी वो उतना कंज्यूम करेगी, ठीक है, तो ये हमें ये लाइन बताती है। अब इस थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लास्ट में कंक्लूजन निकल के आते हैं, मतलब ये सारी जो कंडीशंस हैं ये तभी सेटिस्फाई होंगी जब हमारी कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा मॉडल तभी हमारा काम करेगा जब हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जैसे कि वेज जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन, वेज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू सब्सिस्टेंस वेज, कि वेजेस जो है वो सब्सिस्टेंस वेजेस से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा P by Y and I by Y should be independent, ये जो है आपस में independent होने चाहिए, ठीक है, capital not P by Y actually it's capital ratio, capital output ratio, हाँ capital output ratio, तो capital को हम K से जोड़ करेंगे, तो K by Y और P by Y हमारे क्या है independent होने चाहिए, थर्ड हमारी यहां से आती है कि देयर शुड बी मोनोपोली प्रॉफिट टू कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट के पास मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, कैपिटलिस्ट के पास अलग ही इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो होनी चाहिए, तभी ये मॉडल जो है काम करेगा, तो ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए इस मॉडल को सेटिस्फाई करने के लिए, काम करने के लिए, तो ये हमारा था कैंडर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो था जैसे कि हम लोग इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं देन उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट वैसे इजी है, आप एक बार दो बार देखोगे इजीली समझ आ जाएगा, याद करने की भी नीड नहीं है, अपने आप मतलब बस वो पुट करनी है वैल्यू और सॉल्व होता जाएगा, सो आई
आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।